बडीज वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ आई क्लीन माय टीथ विद ब्रशेस। फर्स्ट स्टेप टू क्लीन माय टीथ विद ब्रशेस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप इज ब्रशिंग। तो मैं अपने जो टीथ है वो इस ब्रश से क्लीन करती हूँ। इसका कोलगेट लगा है वो मत देखना। सो मैं इस ब्रश से टीथ क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हो इस पे ये छोटे से यहाँ पे ब्रश हैं और यहाँ ये भी ब्रश है। ये ऑर्थो ब्रश है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मेरे मतलब ब्रशेस को मतलब टूटने भी नहीं देता है, तो मैं इसलिए ये यूज़ करती हूँ। आई सजेस्ट कि आप लोग भी यही वाला ब्रश यूज़ करें। मैं ब्रश एक दिन में दो बार ब्रश करती हूँ, मतलब मॉर्निंग में और नाइट में। सेकेंड स्टेप मैं इस छोटू से ब्रश से क्लीन करती हूँ जो भी मतलब मेरे जो गंदगी दांतों में रह जाती है ब्रश से, ब्रश करने के बाद मैं इससे क्लीन करती हूँ। अब देखो ऐसा होता है कि हम सुबह शाम में ब्रश करते हैं, मतलब एक सुबह मॉर्निंग में एक नाइट में, पर हम हर टाइम ब्रश नहीं कर सकते बिकॉज इट नॉट पॉसिबल यार। सो मैं जब भी जैसे दोपहर में खाना खा रही हूँ या कुछ भी फास्ट फूड खा रही हूँ या एनीथिंग, तो मैं इससे क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, कुल्ला कर लेती हूँ और फिर इससे अगर कुछ फंसा रह जाता है तो मैं इससे क्लीन कर लेती हूँ। ये टूट रहा है इसलिए ऐसा है। थर्ड स्टेप है मसूड़ों की क्लीनिंग। तो उसके लिए मैं अपने मतलब डॉक्टर ने, डेंटल ने मुझसे ये बात कही थी कि आप अपने दांतों के साथ अपने मसूड़ों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करें। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, गुनगुने पानी से, नॉर्मल पानी से मैं अपने हाथों से उंगली से इस तरीके से मसाज करती हूँ लाइक दिस। और मेरे दांत जो है ना वो थोड़े से नीचे हैं, मसूड़े थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, तो मैं उसके लिए भी इनको थोड़ा सा पुश करती हूँ जिससे ये ऊपर हो जाए। फोर्थ स्टेप है कुल्ला करना, मतलब जो हमारे मसूड़े हैं या जो हमारे टीथ हैं उनके लिए मैं कोई वैसे केमिकल वाली जो क्लीनिंग होती है वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नेचुरली गुनगुना पानी करती हूँ और उससे हफ्ते में, वीक में दो टू टाइम मैं कुल्ला करती हूँ, मतलब करारे करती हूँ। उससे क्या है, जो भी मेरी सूजन आ जाती है मेरे मसूड़ों में या कोई भी गंदगी होती है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है और कोई केमिकल नहीं होता तो मुझे नुकसान भी नहीं करता। हमारा गुनगुना पानी इस तरीके से हमें अपने जो टीथ हैं उनको क्लीन करना चाहिए। वीक में दो बार हमें ज़रूर ही गर्म पानी से गरारे करने चाहिए, मतलब पूरे मसूड़ों की सफाई करनी चाहिए, कह सकते हैं सिकाई करनी चाहिए, जिससे कि मसूड़े फूल जाते हैं या कुछ भी लग जाता है, हमें दर्द होता है वो थोड़ा अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है और हमें दर्द नहीं होता। और दैट्स इट गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय।